मु शक्ति प्रसाद मो चैनल शक्ति एजुकेशन को समस्त स्वागत। ए वीडियो रे में डिस्कशन करिबा पोषण विषय सब एमसीक्यू मु ऑलरेडी ओस्ता टेस्ट पेपर सब एमसीक्यू डिस्कशन कर देथले। ए वीडियो रे में सौरभ टेस्ट पेपर एमसीक्यू सब डिस्कशन करिबा। तो जो मैंने देखी से वीडियो मु तले लिंक दे डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे दो से देखि परिबो। और समस्त वीडियो को लाइक करिबो, संगा मान सहित वीडियो को शेयर करिबो। जो मैंने फर्स्ट टाइम ए चैनल को विजिट करछो चैनल को सब्सक्राइब करिबो। और तले टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि, लिंक रे सब जाके जॉइन हबो। तो प्रथम क्वेश्चन देखिए थायलाकॉइड जो थाक गुड़क आम कौन कहक आम ग्राना बोली कह। क्लोरोप्लास्ट थी स्ट्रोमा रस कौन सब रही है ग्राना आउ थायलाकॉइड सब रही है। देन देखिए आम पाकस्थल में क्यों प्रकार ग्रंथि रही है ना सब म्यूकस ग्लैंड म्यूकस ग्रंथि सब रही है। आलोकश्लेषण द्वितीय सिद्धांत किए प्रदान करते किए ना फनिल। देन देखिए पांच नंबर आलोकश्लेषण द्वितीय सिद्धांत को किए प्रमाणित करते ये किए प्रमाणित करते ना रॉबर्ट हिल। देन देखिए सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण व्यवहृत आधार नाम कौन से आधार ना कौन सबुज पत्र जो थे कि पत्र हरी सब रही है सही खाद्य प्रस्तुत थाए। देन देखिए आम सबुज पत्र पृष्ठ छोट छोट रंध्र को आम कौन कह स्टोम कहवा स्टोमाटा स्टोम बा स्टोमाटा भी आम कहीपर बेले बेले अप्सन थी स्टोमाटा स्टोम न दे कि स्टोमाटा भी तुम आंसर मार रईट आंसर मारद। पत्र क्यों अंश दे परेश पत्र मध्य कार्बन डाइऑक्साइड जल बाष्पर जो गैस सब विनिमय घटे क्या मध्यम देखे ना स्टोम मध्यम देखे। क्लोरोप्लास्ट थी रस को आम कौन बोली कह स्ट्रोमा बोली कह। पाकस्थल कोष केते दिन व्यवधान नूतन कोष द्वारा पुनः स्थापित होता है मैं जो पाकस्थल अच्छे केते दिन थे तार जो कोष गुड़िक पुनः स्थापित होता है दुई रु तीन दिन मध्य। देन देखा दृश्यमान आलोक उपस्थित केउठारे आलोक प्रक्रिया संपादित होता है कौटे ना थायलाकॉइड झिल्ली रे। देन देखा क्यों घटनावल द्वारा मल निष्कसन होता है संकोच संकोचन पेशीर शिथिलन यहाँ हम मलाश पेशीर संकोचन ये भी हम उदर पेशी मध्यवृदार संकोचन सहित सामयिक श्वास विराम यहाँ उपयुक्त समस्त हम। देन देखिए तेरह नंबर क्या फोटो सिस्टम टू बोली कहते पी 680 फोटो सिस्टम वन है कौन पी 700। एनएडीपी प्लस कौन ग्रहण कले विचारित हो कि एनएडीपीएच परिणत हो ना इलेक्ट्रॉन। देन देखिए पंद्रह नंबर अवशोषण पर खाद्य क्या द्वारा बाहित हो शरीर विभिन्न अंश को कोष निकट पहुँचे क्या द्वारा ना रक्त। देन देखिए केउटी एक संतरक मैंने स्पेलींग लिखी संतरक कौटा गोटे संतरक अटे ना रुबिस्को। देन देखा आम केल्विन चक्र प्रथम पर्यायर कौन घटी थाए प्रथम कौन हम ना ग्राहक अणु सहित कार्बन डाइऑक्साइड विबंधन होता है। केल्विन चक्र द्वितीय पर्यायर कौन हम ना ग्लुकोज्र संश्लेषण हम। देन देखिए उन्नीस नंबर केल्विन चक्र तृतीय पर्यायर कौन घटी थाए ना तृतीय पर्यायर कौन घटे ग्राहक अणुर पुनरुत्पादन। देन देखा आम पाकतंत्र क्या गठित होना पाकनली आक ग्रंथि को लेकिन पाकनली खाद्य चलन को कौन कहते पूरा सरण जब पूरा सुन पेरिस्टालिस ओडिया लिखाही थी मुझे लिखी दूसरी इंग्लीश पेरिस्टालिस लिखाही थी से तुम्हें ठीक मैं हो आंसर। विभिन्न प्रकार स्वाद बारे जीभर केते प्रकार स्वाद मुकुल अच्छे तीन प्रकार नासापथ मुख घर मिसी कौन गठ मैंने नासापथ मुख घर ग्रहर मिसी कौन तैयारी ना ग्रसनी। खाद्य नली द्वार को आम कौन कह गलेट श्वासन द्वार को क्वेश्चन अच्छे आम ग्लटिस बोली कह। के ग्रंथि पाचक रस क्षरित हुए ना जठर ग्रंथि। देन देखा शरीर के क्यों गोटे मिक्स ग्लैंड है कौन आम अग्नाशय पानक्रियाज पानक्रियाज है कौन आम गोटे मिक्सड ग्लांड। क्षुद्रांतर क्यों रस क्षरित होता है ना पित्तरस। केउटी पाकमंडल को अम्लात्मक करने सहित जीवाणुनाश कै कौटा ना लवणाम्ल। देन देखिए लाल क्यों एंजाइम खाद्य अनिष्टकारी बीजाणु मान मारी दे किए ना बैक्टेरियल एंजाइम। हिल का मत अनुसार आलोकश्लेषण प्रक्रिया गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत पाई छोटी अंगारकाम्ल अणु सह केतोटी जल अणु रासायनिक प्रतिक्रिया घटता है केतोटी ना बारटी। देन देखिए बतीस नंबर आम आलोकश्लेषण आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया विषय क्यों वैज्ञानिक प्रथम तथ्य प्रदान करते किए ना ब्लैकमैन फ्रेडरिक ब्लैकमैन। ग्लुकोज संकेत कौन C6H12O6 आ चीनी रहा सी बार एच बाई सी ओ इलेवेन यहाँ है कौन चीनी। ग्लुकोज्र गोटे अणु में अंगारकर परमाणु संख्या कौन ना छटी। देन देखिए क्यों जोड़ाटी असंबंधित कौटा ना भात फ्रुक्टोज। देन देखिए क्यों प्रकार खाद्य आम सहजरे शक्ति आहरण करना श्वेतसार।
शरीर ग्लुकोज जारण फल कौन मिले? शरीर ग्लुकोज जारण फल आमको कौन मिलता है? ना ऑप्शन सी हो अंगारकाम जल शक्ति। कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया क्या साहय होता है? क्या साहय सब एंजाइम मान साहय होता है। शरीर जलीय अंश कमीगले कौन सृष्टि हुए ना शरीर अवस लगे मैंने थकापण आमको लगे। सबुज उद्भिद व्यतीत आउ किए शो भोजी मैंने सबुज उद्भिद को छाड़े आउ कौन शो भोजी जो मान देह कौन थी ना आम हरित लवक थी तेल क्या देह अच्छे नील हरित शैवाल। क्यों जोड़ाटी असंबंधित निर्मूली परभोजी पोषण ये ठीक अच्छे छतु मृतभोजी ठीक अच्छे इसी जगह गले सहज भी रायजोबियम है कौन रायजोबियम भी सहज भी हम यहाँ परजीवी हेनी परजीवी हे कौन उकुणी होगला आउ टिंक। केल्विन चक्र केउठार आरंभ हो सही परिवेश हो परिशेषे से ही समतुलित गोटे ना राइबोलोज फॉस्फेट्रु। 43 नंबर आम देखा शरीर गठन पर खाद्यर आवश्यक उपादान सृष्टि एक गठनमूलक प्रक्रिया अटे यह कौन कहुए चय कहुए। चीनी गुड़ इत्यादि क्यों जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण थाए ना सुक्रोज। देन देखिए एक ग्राम श्वेतसारू 16 बेले बेले पचार तो 2 ग्राम रू के 2 ग्राम हेल्ले कौन 16 गुणे 32 बेले बेले पचार हाफ ग्राम रू के 8 किलो जूल। देन आम देखा एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा कौन गठित होता है ना प्रोटीन बा पुष्टिसार। शरीर में केउटी चर्बी भाव संचित हो रही है केउटी ना स्नेहसार। ताप अपरिवाह हो किए शरीर को उषुम रखे साहय कैम शरीर जो चर्बी रही है। रक्त हिमोग्लोबिन गठन पर क्यों धातु सार आवश्यक होता है? एफी एफी है कौन आम लौह। देन देखा जीवकोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया क्या साहय होता है ना एंजाइम मान साहय। जीवकोषर कोषरसर प्राय के भाग जल होता है 70-90%। केउटी सरलीकृत श्वेतसार उत्पाद नुहे कौटे ना ग्लिसेरल। मनुष्य शरीर केउं अंग चक्राकृति पेशी अनुदर्घ्य पेशी द्वारा गठित ना आम जो पाकनली अच्छे। देन देखा उद्भिदर केउं अंशे स्पंजी कैपेरियन के देखा जाए ना पत्र। अग्नाशय रसर केउं एंजाइम रहता है? एमाइलेज लाइपेज आउ प्रोटीएज। देन देखा 56 आमे क्यों गुड़िक स्नेहसार सरलीकृत उत्पाद गोटे ग्लिसेरल आ गए फैटी एसिड। पाकनली क्यों अंश खाद्यर कौन परिवर्तन हुए ना कौटी ना ग्रासनली। अवशोषित खाद्य प्रथम केउठे पहुँचे ना जकृत में पहुँची थाए। केउटी अंगारकाम गैस शोषण कैर ना केओएच केओएच है कौन पोटासीयम हाइड्रोक्साइड। के मौलिक गुड़ी नहीं ग्लुकोज गठित होता है? कार्बन उज्जान अम्लजान संगे कौन C6H12O6 तेनाली गुड़ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। केउटी अंतपरजीवी प्लाज्मोडियम है कौन आम अंतपरजीवी। आलोक श्लेषण सठिक समीकरण प्रथम C6CO2+12H2O6H2O6H2O6O2। पाकस्थल कोष मान निबिड़ बंधन जो सहजरे केउ एंजाइम पाकस्थल कांथ भितर को प्रवेश कर टिश्यू क्षय कर पारे ना कौन ना पेप्सिन। देन देखिए आम सबुज पत्र कहा संस्पर्श आसे पत्र रंगहीन हो जाए फुटंता सुरासर। जटिल खाद्य पाकनली क्या द्वारा सरल और शोषण उपयोगी खाद्य परिणत होता है? आंसर कौन ऑप्शन सी पाचक रस। खाद्याभ्यास उपर निर्भर कर आम दात को केते प्रकार विभक्त कर चार प्रकार। देन देखिए आम 67 प्रतिमाड़ी श्वान दात संख्या के 2 जदि बढ़ टोटल मुखमंडल के अच्छी 2×2=4 हम प्रतिमाड़ी में कतोटी पेषण दात रही 6 बृहदंत्र के पदार्थर अवशोषण होता है? जल आतेक इलेक्ट्रोलाइट आस्पिन प्रणी जो कौन हम औषध अवशोषण के अंश संपादित होता है? यहाँ कौन ऑप्शन ए जो मुख गहर 70 ऑप्शन ए हे मत जहाँ लगुच पाकस्थल हेनी आस्प्रिन है जो विभिन्न प्रकार मेडिसीन गला आस्प्रिन होगा आम सुरासर पार्टी ही से गुड़िक मानने मुख गहर से गुड़िक मनुष्य शरीर उदर गहर के पाकस्थल अवस्थित बाम पार्श्वे पाकस्थल भितर आच्छादन कौन निःसृत होता है? पाचक रस आउ लवणाम्ल। देन देखिए पित्त स्नेहसर जितने खाद्य को कौन कराए अवद्रवीकरण कराए। प्रोटीज एंजाइम क्या एमिनो अम्ल में परिणत कैर ना पुष्टिसार को। ग्रहणी शेष अंश को आम कौन कह इलियम बोली कह एक्चुअली एटा क्वेश्चन भूल जाइए आम जो अच्छे क्षुद्रांत बृहदंत ये कौन ग्रहणी जेजनम इलियम आम जो क्षुद्रांत यहाँ क्षुद्रांतर शेष अंश को आम कौन कह प्रथम है ग्रहणी तापर है कौन जेजुनम तापर है इलियम जदि पचार था क्षुद्रांतर शेष अंश कौन कहे आंसर इलियम। शरीर खाद्यर विनियोग प्रक्रिया को कौन कहुए ना आत्मीकरण
ଯେଉଁ ପରଜୀବୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାଶ ଆଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମୃତୋପଜୀବୀ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରଜୀବୀ ବୋଲି କହିବା, ଯେମିତିକି ନିର୍ମୂଳି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଭୋଜ୍ୟଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଉକୁଣି ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଉଦାହରଣ, ଏଠା ହେଲା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। କେଉଁଟି ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ହଜମ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ମାନେ କେଉଁଟା ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ୍ରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉନାହିଁ, ତା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ୱେତସାରଟା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମାଂସରେ ସବୁ ଡୁଇଛି ଏଇଟା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ। ଉତ୍ତେଜିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରୁ କେଉଁ କଣିକା ବାହାରି ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଝିଲ୍ଲିର ପ୍ରବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକଏଡ଼ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜାୟନାୟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ମିଶି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଲା ଏଟିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍। ଅନ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଇଥିବା ବିଜାରିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଟି ତା'ର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦରକାର। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେଉଁ ଅଣୁର ବିଘଟନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ? ନା ଜଳ ଅଣୁର। କେଉଁଟି ଗ୍ରହଣୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା? ନା ସ୍ନେହ ସେଇଟା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲ୍ ହେବ। ଆମେ 88 ଦେଖିବା। ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ରାତିରେ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ଅଂଶ ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ନା ଷ୍ଟୋମାଟା। ଶରୀରରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ହେଉଥିବା କେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ? ଜୈବ ରାସାୟନିକ। ଜୀବ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଓ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ? ନା ପୋଷଣ। ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି? ନା ଚୟାପଚୟ। ଫଳରସ ପନିପରିବାରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ? ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ବେଳେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଜାରଣ ଫଳରେ CO2 ଆଉ H2O ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁଟା? ନା ପୃଷ୍ଟିସାର। କୋଷ ଝିଲି ତିଆରିରେ କାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି? ନା ଲିପିଡ଼୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ଗୋଟେ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଚର୍ମ ତଳେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏକ ଆସ୍ତରଣ ରହିଥାଏ? ଚର୍ବି ଏଇଟା କ'ଣ? ଆମକୁ ଉତ୍ତାପ ରଖିବାରେ, ଦେହକୁ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରରେ ଦାନ୍ତ ହାଡ଼ ସବୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ଅଛି? ନା ଧାତୁସାର। ଶାଗ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ଜଳର ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 100। ଝାଳ ପରିସ୍ରା ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରରୁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ଭରଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ କେତେରୁ? ନା 3-4 ଲିଟର ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। 101 ଦେଖିବା ଆମେ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ମଳରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? ନା ସହଜୀବୀୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, 100 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ? ଗୋଟେରୁ ହେଲା 16, ତେଣୁକରି 100ରୁ କେତେ ହୋଇଯିବ? 1600। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀଠାରେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁଠି? ନା ଯୋକୋଠାରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ହଜମ କରୁଥିବା କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୟିତ ହୋଇଥାଏ? ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରୋଟିଏଜ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷ ପ୍ରତି କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ କୋଷ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାଏ? ନା 2-3 ଦିନ। ମଣ୍ଡର କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ? ନା ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଲଘୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦ୍ରବଣ। ମନେକ ଲଘୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ଘନ ହେବନି, ଲଘୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦ୍ରବଣ। ଆମ ପାଟିର ତଳ ଉପର ମାଢ଼ିରେ ମାନେ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? 32ଟି। ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତୋଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ? 4ଟି। ଯଦି ପଚାରିବ ମୁଖ ଗହରେ କେତୋଟି, ତାହେଲେ 4 × 2 = କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 8ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଟୋଟାଲ। ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କେତେଟା ଅଛି? ନା 4ଟି। ଆମ ପାଟିରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? ନା 3 ଯୋଡ଼ା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଟାଇଲିନ୍ ଶ୍ୱେତସାରିତ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ କରେ? ନା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଗ୍ରାସ ନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ନା 22-25। ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ଅଛି, ଗ୍ରାସ ନଳୀର ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା କେତେ ଆମର? 22-25 ମିଟର। ସରି, ମିଟର କହୁଛି, 22-25 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶ କାହା ନିକଟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭାଗ କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍। ତଳଟା ହେଲା କ'ଣ? ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍, କାହିଁକିନା ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ପିଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାରୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରି ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ? ନା ପେପ୍ସିନ୍। ଯକୃତରୁ କେଉଁ ତୈଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ? ନା ପିତ୍ତ। ଆମାଇଲେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାହାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ପରିଣତ କରାଇଥାଏ? ନା ଶ୍ୱେତସାର। ଲାଇପେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାହାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ କରାଏ? ନା ସ୍ନେହସାର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦନ ଥିବା ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ଜରିଆରେ ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁଟି ଭୁଲ ଅଟେ?
जो चारटा अच्छी कोटा भूल तो आंसर हम कौन जीवसार खनिज लवण जल 119 रो ऑप्शन डी हम। छतु जातीय कवक ईस्ट मानक क्यों प्रकार पोषण देखा जाए ना मृतपजीवी मल्लांग नीलमूली सब कौन परजीवी जी प्लाज्मोडियम है कौन सिला अंतपरजीवी उंकुंडिंग है कौन बाह्यपरजीवी तेन आम देखा बेले बेले दुईट संपूर्ण भिन्न जो मिसिकी बास करें आम कौन कहजीविता जबक्षारजन विबंधन केजीवी अणुजीवर अवदान सहजीवित एक उदाहरण अटे गोटे बैक्टेरिया उद्भिद व उद्भिद पदार्थ भक्षणगत प्राणी मानक आम कौन बोली कह शाकाहारी कह खाद्य बाछ विचार नक जहाँ खाद्य उपयोगी ता भक्षणगत प्राणी मानक आम कौन बोली कह सर्वाहारी कह। रॉबर्ट हिल क्यों मसे गवेषणा कर देखाई जे आलोक श्लेषण गोटे सरकार अणु प्रस्तुत करने छोटी अंगारकाम्ल 12 जल अणु रासायनिक प्रतिशत 1937 मसीह इंग्लैंड ब्लैकमैन जो दुईटा प्रक्रिया केवे दर्शाई थे 1905। आलोक श्लेषण आलोक प्रक्रिया केउठारे संपादित होता है थाइलाकर्डर झिली आलोक प्रक्रिया के उपादान आवश्यक क्लोरोफिल जल आलोक क्लोरोफिल अणुगुड़ी को क्या शोषण कर शक्ति प्रभाव एक क्लोरोफिल अणु को अधिक शक्ति सम्पन्न कर उत्तेजना सृष्टि कराई दृश्यमान आलोक रश्मि 132 देखिए इलेक्ट्रॉन प्रभाव समय थाइलाकर्ड भितर को प्रभावित उज्जान क्यों उपादान बाहर थाए थाइलाकर्ड देन देखा आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया संघटित रासायनिक प्रतिक्रिया व्यवहृत हो क्यों उपादान परिणत होता है एनएडीपी प्लस आउ एडीपी देन देखा अंधकार प्रक्रिया को किए आविष्कार करते मेलविन केल्विन मंडल सरकार परिणत होगा क्या द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश को प्रभावित होता है ना फ्लोएम आउ जाइलेम है कौन सेकंड विषय जो परिवहन संचालन जाइलेम कौन सब जल परिवहन हम उद्भिदर निम्नस्थ पोषण मधर केजीवित उदाहरण सहजीवी बैक्टेरिया शरीर पाक नली क्रमटे कौन प्रथम मुखगहर ग्रसनी पाकस्थल क्षुद्रांत बृहदंत्र मलद्वर पाक नली के अंश में स्नेहसराज्य खाद्य अभद्रवीकरण होता है ना ग्रहणी से एंजेम नथिबा पाचक रस केउटी ना पित्तरस पाकग्रंथीर केउ अंशे अग्नाशय अग्नाशय रस यकृत पित्तरस आसी मिशी थाए ना ग्रहणी 140 एम सी को डिस्कसन करदे समस्त देखीद मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सर्व टेस्ट उपर अच्छे आ समस्त वीडियो को लाइक कर सांग सहित सेयार कर जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर समस्त सब्सक्राइब कर थैंक यू।